अब यूपी समेत देश में इस वक्त अरहर की दाल की कीमत करीब 200 रुपए तक बिक रही है और महंगाई की वजह से आम लोगों की थाली से दाल गायब हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी के कृषि मंत्री को दाल के दाम पता ही नहीं। जब उनसे दाल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि दाल कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। हैरानी की बात तो यह भी है कि दाल की कीमत बताकर कृषि मंत्री हंसने भी लगे। जरा सोचिए, कृषि मंत्री को दाल के भाव तक नहीं पता। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। सुनकर देखकर हैरानी हुई ना। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को जरा एक बार फिर से सुनिए, देखिए उनका ये अंदाज। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये बयान और उनका हंसना, इसको लेकर भी सवाल क्यों? क्योंकि अब आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, बताते हैं आपको बाजार में कौन सी दाल कितने में मिल रही है, किस दाल के कितने दाम हैं, इन्फॉर्मेशन उसी आधार पर। जहां देख लीजिए, अरहर जो कि 170 से 180 रुपए प्रति किलो बिक रही है, उड़द की दाल 120 से 130 रुपए प्रति किलो है, मूंग की दाल का रेट 110 से 118 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है और मसूर की दाल 100 से 110 रुपए किलो। वहीं चने की दाल 90 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है और मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री हैं, जो हंस रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा तो कोई दाल की कीमत है ही नहीं। हालांकि यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान पर एसपी और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अब सवाल उठाए, एक और बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि मंत्री जी ने गरीबी का ही मजाक उड़ा दिया है। इस पे कोई आश्चर्य भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कृषि मंत्री, वो दाल और आटे दाल चावल के भाव बता के हंसेंगे। ये जो उनकी हंसी थी, ये महंगाई की हंसी थी, ये गरीब के और गरीबों का मजाक था। समाजवादी पार्टी समझती है कि इसी नकारात्मक राजनीति को, इसी महंगाई वाली राजनीति को जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दिया है और जो किसी मंत्री जी आज हंसे हैं, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पे, जनता भारतीय जनता पार्टी के इस हंसी का जवाब जरूर वोट से जरूर देगी। इसके योगी सरकार के सारे मंत्री जले पर नमक छोड़ रहे हैं। हालात उत्तर प्रदेश के क्या है कि ना तो महंगाई सरकार पर चर्चा करती है और सूर्य प्रताप शाही की आंखों में मोतियाबिंद हो गए। उन्हें गरीबी दिखाई नहीं देती, उन्हें मजदूरी आम आदमी की दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है, प्रधानमंत्री इस पर बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पर है कि मंत्रियों का यह अहंकार बोल रहा है कि वो गरीब आदमी की मजाक उड़ा।